हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने स्टार्टअप चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए तीन महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ, ठीक है। पहला अपडेट है कि आज जो पेपर में सभी लगभग पेपर में आ चुका है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भरे जाएंगे सभी खाली पद, यानी ITI इंस्ट्रक्टर को लेके है। दूसरा है, एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट कराया गया, तो आपके द्वारा शेयर किया गया कि CITS और विदाउट CITS जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इंस्ट्रक्टर का में CITS वाले कितने, नॉन CITS कितने हैं, उसका भी डेटा शेयर करूंगा। और एक पेपर, एक आप लोगों के द्वारा एक मैसेज है आप ही लोगों द्वारा शेयर किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सारे जगह पे इसे पब्लिश कर दिया गया और ऐसा, लेकिन ऐसा क्या है इसका भी पूरी जानकारी लेंगे। और चौथा सबसे बड़ा अपडेट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स अगर अपडेट कर लिए तो प्लीज़ तैयार रहिए, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, तो पूरे अपडेट को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो पेपर में जो ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है, वो जो पूर्व में जो श्रम संसाधन मंत्री और वर्तमान के जो उप मुख्यमंत्री, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो भी खाली पद पड़े हैं उसके समीक्षा की है, और जितने भी पद खाली हैं उन्हें सरकार द्वारा भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर का जो प्रोसेस है वो अंतिम रूप से अपने अंतिम प्रोसेस में है, यानी कि काउंसलिंग के बाद रिजल्ट जारी होना बाकी है। तो इस संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के विधायक सत्यदेव राम ने सरकार से प्रश्न पूछा था कि उप मुख्यमंत्री, और इसका जवाब देते हुए उन्होंने सदन में बताया कि राज्य के सभी 103 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टोर कीपर और 138 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कंपाउंडर और 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन के पद सृजित हैं, और इसके विरुद्ध जो रिक्तियां उन पर नियुक्ति के लिए श्रम संसाधन विभाग के स्तर से जल्द से निर्णय लिया जाएगा। और जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो बहाली है और जो काउंसिलिंग है वो जल्द ही आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है कब से जारी किया जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि एक छोटा सा जो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के लिए एक पोल सर्वे कंडक्ट किया गया था, उसमें जो नॉन CITS वाले कैंडिडेट है उनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इससे ये प्रतीत होता है कि नॉन CITS वालों का भी सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत 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 ज़्यादा चांस है। CITS वाले जो कि उनका तो लगभग जो भी CBT क्रॉस कर लिए हैं उनका सिलेक्शन श्योर है, ऐसा आप लोग कन्फर्म रहिए। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा और काउंसलिंग में भी क्लियर हो जाएगा। अब एक छोटा सा आप लोगों के द्वारा मैसेज है जो आप लोग बार बार शेयर करके और मुझे कल से पूछ रहे हैं, और मैं कभी भी किसी भी तथ्य के आधार पे ही कोई भी बात करता हूँ, जैसा कि कल सदन में बता दिया गया था। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी सूचना होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, किसी कोई भी अपने स्तर से इसे अपने फायदे के लिए और अपने पॉजिटिवनेस के लिए इसे शेयर करता है और इसे बढ़ाता है आगे, और इसका मैं कोई सपोर्ट ही करूंगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन उन लोगों के लिए नेगेटिव होगा जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो मैं इस मैसेज के द्वारा जो एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट अपना काम करेगी, ये आप लोग आश्वस्त हो जाएं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आप लोग जो कटिंग भेज रहे हैं ये CITS वालों का रिजल्ट नहीं होगा, ये आप मतलब कहीं ना कहीं एक गलत एक अवधारणा है आपका,
तो क्या है इसको देखते हैं कि बिना सीआईटीएस वालों का नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि बीटीएससी और श्रम संसाधन विभाग से अधिकारी से एक मीटिंग हो चुका है, जितने भी सीआईटी सप्लाई किए हैं उसी का फाइनल रिजल्ट देना है। ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इनजस्टिस होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है, और ये पूरे तरीके से इनवैलिड होगा, और इसके लिए विदाउट सीआईटीएस वाले आवाज़ उठाएं और आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। ये मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं कभी भी कि ना किसी का समर्थन किया हूं और ना कभी किसी का विरोध किया हूं। मैं जो सीआईटीएस वालों के का जो पॉजिटिवनेस होता है मैं वो भी बताता हूँ, और जो नॉन सीआईटीएस का पॉजिटिवनेस है वो भी बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उसके अकॉर्डिंग अगर नॉन सीआईटीएस वाले अगर पास हो जा रहे हैं और उस पर अगर जो भी लोग हैं जो सीआईटीएस है या जो भी है जो पहले से सीआईटीएस के बिना भी इंस्ट्रक्टर हैं वो लोग अगर इस पर अपनी आवाज़ अब उठा रहे हैं तो ये सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कंपटीशन में आपसे वो बहुत अच्छे हैं, आपके पास वेटेज है लगभग मिनिमम 17 से 18 मार्क्स का, उसके बावजूद भी आपको उनसे डर है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज आपके द्वारा फैलाया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि बीटीएससी और श्रम संसाधन विभाग के सभी अधिकारी मिलकर समझौता कर लिया है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इस रूमर से आप लोग बचे हैं। 28 के बाद ही रिजल्ट जारी होगा ये सबको पता है, लेकिन काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। और एडवर्टीजमेंट रद्द करके फिर से सीआईटीएस वाले अप्लाई करने की भी बात हो चुका है। हाँ, इस चीज़ का ना मैं समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट रद्द होता है तो इससे घाटा सीआईटीएस वालों को भी है, नॉन सीआईटीएस वालों को भी है, ठीक है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं एक बेसलेस है, ना मैं इसका सपोर्ट करता हूँ ना इसका मैं विरोध करता हूँ, हाँ बेसलेस है, और आप लोग इससे बचें, ऐसे रूमर से बचें। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ कि आप लोग तैयार रहें, आपका मार्च फर्स्ट वीक में या उसके एक दो दिन के बाद कभी भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आपको मार्च में ही, अगर सब चीज़ सही रहा आज के बाद, मतलब कि 29 के बाद कभी भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सारे मैसेज को आप लोग फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबके अंदर पॉजिटिवनेस आए, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव होकर भी धीरे धीरे अब नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा आप लोग इससे बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, रिजल्ट आपका तो आएगा जरूर। थैंक यू।